हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की आईसीएसई बोर्ड की न्यू बुक जो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक बाय संजीव बब्बर, वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं ये न्यू ईयर्स की आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसके लिए आपने बेल आइकॉन जो है वो जरूर क्लिक करना। नाउ स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर जो है एक्सपेंशन, हम 3.1 एक्सरसाइज जो है उसका 20th नंबर सम जो है वो लिखे हैं। नाउ स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, हमने वर्ड क्या कह रहा है, वो कहता है वर्ड टर्म शुड बी एडेड, इसमें कौन सी टर्म ऐड की जाए ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये टू टर्म्स हमें दी हुई है, एक और टर्म हमने ऐड करनी है, वो बतानी है। नाउ स्टूडेंट, केयरफुली देखो, ध्यान से समझो, बहुत इजी सम है, फटाफट से आपको आ जाएगा। नाउ सबसे पहले तो स्क्वायर बनाना है ना, तो पहले स्क्वायर बनाना शुरू कर दो। ये थ्री नाइन जो है थ्री का, ठीक है, थ्री और ए के पास हो जाए स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मूला, माइनस का है ना, इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा, है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए भी होता है फॉर्मूला, है ना, तो टू के साथ ए बी, ये ए थ्री हो गया। ठीक है, यानी कि थ्री टू सिक्स है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए 24। ठीक है, तो किससे और मल्टीप्लाई करें सिक्स को कि 24 आए, सिक्स के टेबल में 24 कहाँ आता है, फोर में ना, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर, और क्या चाहिए यहाँ पे, एक ए तो है, और क्या चाहिए बी, तो फोर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये बन हो गया टू ए बी, ठीक है, ये प्लस फोर बी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो किसका स्क्वायर बन गया ये देखो, थ्री ए माइनस फोर बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ना। ठीक है, देखो ये बना के देखो, पहले किए हुए ना हमने ये वाले सम स्क्वायर वाले, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसके इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, थ्री ए माइनस फोर बी। नाउ यहाँ पे देखो, ये बन गया हमारे पास नाइन ए स्क्वायर, ठीक है, ये 24 ए बी, और ये कितना, फोर फोर 16 बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए माइनस फोर बी का होल स्क्वायर। अब उसमें क्या पूछा था कि इसमें क्या ऐड करें कि इसका होल स्क्वायर बन जाए, यानी कि इसमें हमने 16 बी स्क्वायर जो है वो ऐड किया है। ठीक है, देयरफॉर 16 बी स्क्वायर शुड बी एडेड। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी था ना, ये आपने ध्यान रखना है कि स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया है वही आंसर होगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, ये पहले स्क्वायर बनाना शुरू करें, ये किसका है, टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का फॉर्मूला, तो प्लस टू इंटू ए, ए कौन है, टू ए, यहाँ पे बी अब हमने बनाना है, ये टू टू या फोर, और हमें चाहिए 20, अब फोर के टेबल में देखना है 20 कहाँ पे आता है, फाइव पे ना, इट मीन्स फाइव चाहिए और क्या चाहिए, ए है बी चाहिए और, तो फाइव बी। ठीक है, प्लस बी जो है यहाँ पे 5b बन गया, 5b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये a यानी कि 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर। अब देखो यार क्या ऐड किया हमने, ये खोलो इसको, ये 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20ab प्लस 5 5 25b स्क्वायर, इसके इक्वल है 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, बताओ अब जरा फटाफट से क्या ऐड किया, क्या आंसर आएगा इसका, यस 25b स्क्वायर, देयरफॉर 25b स्क्वायर शुड बी एडेड। क्लियर, कितना इजी था ना स्टूडेंट, दोनों सम प्रैक्टिस करो के साथ साथ तो बहुत इजी लगेंगे, और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करो ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजी वे से सीख पाए कि कैसे हम ये सम्स करने। स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो इसका, 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर बन रहा है, 3 ये बन रहा है ना, 3a स्क्वायर, ठीक है, b तो ऑलरेडी बना ही हुआ है,
और बीच में 2AB भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने मान लो स्क्वायर बनाना हो, 3AB का बनेगा ना, 3A+B का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो 2AB जब करेंगे, ये देखो रफ में करके देखो, 2A, A कौन है 3A इंटू बी, तो ये कितना बनता है 3 × 6 AB, ठीक है। इट मीन्स बीच में हमें 6AB चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2AB है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4AB और ऐड कर देंगे, बन गया ना अब 6AB सेंटर में, और ये होल स्क्वायर हो सकता है इसका, है ना, लेकिन a² अब ठीक है, a² + b² + 2AB, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 3A + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स ये स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया इसमें एक्स्ट्रा, 4AB ऐड किया ना, तो देयरफॉर 4AB शुड बी एडेड, क्लियर। केयरफुली करो स्टूडेंट, प्रैक्टिस मस्ट है इस एग्जाम्स में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको इजी लगेगी ये वाला सवाल। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे 49A की पावर, यहाँ पे स्टूडेंट ये a² बन रहा है, लास्ट में b² भी बन रहा है ना, प्लस 4b² की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया a और b, अब बीच में हमें क्या चाहिए, 2 × ab, यानी कि जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा किसका, 7a² + 4b² का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लो जरा, क्या आएगा, a² + b² + 2ab, है ना। 2ab मीन्स ये रफ में करके देखो, 2a कौन है 7a², ठीक है, इंटू बी कौन है 4b². अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आपके 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 56, और a² b² यानी कि सेंटर में हमें 56 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 50 है और 6 और चाहिए, तो कैसे इसको लिख सकते हैं, 50a² b² + 6a² b², ठीक है। अब तो बन गया ना होल स्क्वायर इसका, ठीक है। तो हमने क्या ऐड किया इसमें, 6a² b², देयरफॉर 6a² b² शुड बी एडेड, यही उसने कहा था ना कि बताओ कौन सी ऐसी टर्म है जिसको ऐड करें और ये होल स्क्वायर बन जाए, तो ये बन गया। इतना इजी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी इजी लगेगा। नाउ ये था 20 नंबर सम 3.1 एक्सरसाइज का, इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर और 3.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा सभी सम्स की, हमने सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप उनसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली अपनी स्टडी कर पाए। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है, तो ऐसी और स्टडी वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।